हाय गाइस, मेरा नाम है प्रत्यूष और ये आप देख रहे हैं यामा की रेज एडर 125 का स्ट्रीट रैली एडिशन। और ये नया नया कलर एक्चुअली इसका लॉन्च हुआ है, इसका नाम है लाइट ग्रे वर्मिलियन। आप देख सकते हैं ग्रे कलर ऐसे फिनिशिंग मिल जाती है चारों ओर, और एलॉय व्हील्स जो आपको मिलेंगे ये आपको ऐसे ऑरेंज कलर के मिल जाते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको ऑलमोस्ट गुवाहाटी में 97,000 पड़ जाती है। एक्स ऑन रोड प्राइस में स्क्रीन पे डिस्प्ले वो सब करवा दूंगा। यहाँ पे आपको LED सेटअप मिलता है हाई बीम लो बीम दोनों के लिए, और हाई बीम इसका है कुछ ऐसा, ये साइड वाला हाई बीम है, ये बीच वाला आपको लो बीम मिल जाएगा। थ्रो वो सब इज़ वेरी गुड। और फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं, यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट मिल जाता है, एल्यूमिनियम फिनिश आपको जैसा मिलता है वहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम वैसा ही आपको यहाँ पे फील मिलेगा। ये वाला थोड़ा डार्क है, ये वाला थोड़ा लाइट आपको मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको फाइबर की मिलती है, ये आपको जरूर मेटल का मिल जाता है विच इज़ गुड। पोजिशन लैम्प भी आपको LEDs ही मिलते हैं। इंडिकेटर्स आपको जरूर हैलोजन मिलेंगे। इस प्राइस पॉइंट पे देना चाहिए था, बट ठीक है, वो आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं इंडिकेटर्स LEDs वाले। और स्ट्रीट रैली एडिशन में आपको ऐसे हैंड प्रोटेक्टर्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं टायर्स, इनकी प्रोफाइल है 90x90 12 12 के टायर्स है। कॉम्बी ब्रेकिंग UBS जिसे कहा जाता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 190mm की फ्रंट में डिस्क है और पीछे आपको 130mm के ड्रम्स मिल जाते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग वो सब इज़ गुड। थोड़े बहुत मेटल के यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स यूज़ किए गए टू गिव इट द रैली एडिशन लुक। और ज़्यादातर बाइक एक्चुअली यहाँ पे फाइबर का ही है, सो वेट 100 kg के नीचे रखा गया है इसी वजह से। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 145mm की मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम लगी मुझे, बट ठीक है। और बॉडी पैनल देख सकते हैं, सिग्नस रेज एटर 125, काफ़ी ऐसे स्ट्राइप्स वो सब सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन आप मिल जाएगा। कलर के अकॉर्डिंग ये सब सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, वो आप शोरूम पर जाके देख लीजिएगा। ये पे रबराइज फुटपैक्स है, मफलर काफ़ी बड़ा आपको शेप का मिल जाता है, ये भी फाइबर का ही है। और यहाँ पे एयर कूल्ड है, देख सकते हैं सारे यहाँ पे मैकेनिज्म सारी चीज़ें। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और पीछे आपको स्विंग आर्म्स मिलते हैं। और रैली एडिशन में ऐसे ब्लॉक पैटर्न के टायर्स मिल जाएंगे, और विद अच्छी खासी है, 110 सेक्शन के है विद इनकी। और पीछे से कुछ आपको ऐसा लुक मिलेगा। यहाँ पे हेलोजनी टेल लाइट्स है, इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजनी मिलेंगे। अगर LEDs होते तो बहुत अच्छा होता, बट नहीं मिल रहा वो आपको। नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट है, रिफ्लेक्टर्स चारों सारी चीज़ें यहाँ पे, विद देख सकते हैं टायर्स की, इट्स रियली वेरी गुड। ये सब आपको एल्यूमिनियम फिनिश का मिल जाता है, मेटल फिनिश ऐसे मैट कलर के साथ। और इंजन की बात करें, यहाँ पे काफ़ी चीज़ है, और इसका जो एयर फिल्टर रहता है यहाँ पे प्लेस्ड होता है, सो इजीली आप बोल्ट खोल के डायरेक्टली कर सकते हैं साफ वाफ। किक स्टैंड भी है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ, यहाँ पे भी थोड़े बहुत ऐसे मेटल के पार्ट्स है। और इंजन की बात करें, 125cc का आपको ब्लू कोर जो हाइब्रिड इंजन आता है यामा का, वो आपको मिल जाएगा। फ्यूल इंजेक्टेड है, E20 फ्यूल कंप्लेंट भी होगा, सो BS6 Phase 2 कंप्लेंट ये इंजन है। पहले से रिफाइनमेंट थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 8.2 PS और 10.3 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाता है। पावर टॉर्क इज़ वेरी गुड। वेट को आपको देखना होगा, 100 kg के नीचे, सो उस हिसाब से पावर टू वेट रेशियो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फुट एरिया भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, यहाँ पे एक हुक मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी हुक नहीं मिलेगा, वो आप एक्सेसरीज में आपको लगवाना होगा। और यहाँ पे भी काफ़ी एलिमेंट्स है, ये वाला सिल्वर है, यहाँ पे थोड़ा मैट फिनिश, यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्सचर मिल जाएगा आपको। और मल्टी पॉइंट आपको की मिल जाती है, यही से आप इसका बूट अनलॉक कर सकते हैं। और सीट्स की बात करें, डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ है, ये वाला थोड़ा आपको मेश पैटर्न का लगेगा, सो पसीना सोख लेगा ये, वैसा मटेरियल है। और पिलियन के लिए आपको वो लेदराइट सी मिलते हैं, यहाँ पे ऐसे रेड कलर की स्टिचिंग विचिंग सारी चीज़ें हैं। और अंडर सी स्टोरेज की बात करें, यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि आपको इंटरनल फ्यूल फिलिंग अभी भी मिलता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग होना चाहिए था बट वो नहीं है। और 21 लीटर्स का स्पेस मिल जाएगा, हाफ पेस हेलमेट आप रख पाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट एड किट थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस है, सारे टूल बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट वो नहीं है, और USB आपको चार्जर लगाना है, वो भी आपको एक्सेसरीज में ही लगवाना होगा। और ये इसका ओवर हैंडल बार का लुक, और भी उसका शेप वो सब इज़ वेरी गुड। ये हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स, हॉर्न में बजा के सुना देता हूँ, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, और यहाँ से आपको साइलेंस स्टार्ट मिल जाता है, SMG स्मार्ट मोटर जनरेटर, उससे लो एंड टॉर्क अच्छा होता है, और यहाँ पे साइलेंस स्टार्ट उसी की वजह से आपको मिल जाएगा। ब्रेक लीवर ये सब का क्वालिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अलग ट्रीटमेंट है, यामा का लोगो यहाँ पे है। उसके बाद यह है इसका ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और यामा कनेक्ट तो मिल ही जाएगा, लाइव ट्रैकिंग करना, मिस कॉल अलर्ट, बाइक का फ्यूल लेवल, वो सारी चीज़ें, सर्विस अलर्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे वाइजर भी आपको ऐसा प्रॉपर एक मिल जाएगा। इसकी बात करें, सो यहाँ पे डिजिटल स्पीड डिस्प्ले होता है, फ्यूल लेवल ओडो में कितनी चल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलता है, वहाँ से आपको चेंज करना होगा, ट्रिप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं आप, टाइम
दो ट्रिप मीटर होने चाहिए था, बट यहाँ पर आपको सिंगल वाला ही मिल रहा है और हैजर्ड लाइट आपको चारों ओर यहाँ पे मिल जाएंगे सारी चीज़ें। बाइक का वेट काफ़ी कम है सो अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, ब्रेकिंग इज गुड, सस्पेंशन दो रहे आपको स्टिफर साइड पे लगेंगे, स्पोर्टी राइड हैंड हैंडलिंग उसकी वजह से आपको मिल जाएगा। फीचर्स और थोड़े होने चाहिए थे प्राइस को देखते हुए, जैसे USB चार्जर ना होना, सिंगल एक ट्रिप मीटर होना, और कुछ अगर ज़्यादा होता तो अच्छा लगता, बट ठीक है। और लुक, इट लुक्स वेरी अमेजिंग, फुट बोर्ड एरिया वो सब का जगह भी ठीक ठाक है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे खोल के बैटरी आपको सारी चीज़ें करनी होगी। 5.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और 785 mm की इसकी सीट हाइट है। सो स्ट्रीट रैली एडिशन अगर आपको कुछ ऐसा लुक चाहिए थोड़ा अलग हो ZR125 से, सो आप ज़रूर इसके लिए जा सकते हैं। काफ़ी कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। और स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें सो 2 साल या 30,000 किलोमीटर का ही आपको वारंटी मिलता है, ये मुझे थोड़ा कम लगा, बट इसे आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, वहाँ पे 3 साल और 40,000 किलोमीटर तक आपका वारंटी कवर हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको, क्या आप ये लेंगे या नॉर्मल ZR125 पे जाना पसंद करेंगे? सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।